हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं बच्चों, नाटक और एकांकी में अंतर। दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को मिनिमम तीन अंतर तैयार कर लेना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक में क्या है बच्चों, नाटक अनेक अंक वाली रंगमंचीय विधा है। नाटक आप लोग देखते होंगे, जैसे अभी नवरात्रि का सीजन आने वाला है, गणेश उत्सव चल रहा था, तो कई लोगों के पात्रों से मिला करके किसी घटना पर आधारित नाटक किया जाता है, रंगमंच दिखाया जाता है बच्चों। लेकिन जो हमारा एकांकी है, ये भी, इसको भी हम रंगमंच के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन पर आधारित होता है, एक अंक वाली विधा है, जबकि नाटक में अनेक अंक होता है बच्चों। एकांकी में शब्द से ही अर्थ निकलता है, एक अंक वाली विधा है। जैसे आप किसी भी काव्य की रचना करते हो बच्चों, किसी घटना पर आधारित उस काव्य की रचना करते हो, लेकिन वो घटना केवल एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है, एक ही दिशा पे जा रहा है, तो आपका एकांकी कहलाएगा। लेकिन घटना में कई सारे दिशा हैं, मतलब घटना पे जो पात्र है उसके मान लीजिए बच्चों के बारे में भी वर्णन है, उसके निजी लाइफ के बारे में वर्णन है, फिर उसके घर में जो कुछ घटनाएं हुई उसका भी वर्णन हो गया, है ना। घर में कितने नौकर हैं उनका भी वर्णन हो गया, कितने सिपाही हैं उनका भी वर्णन हो गया, कितने जीव जंतु पाल रखे उनका भी वर्णन हो गया। नाटक में कुछ इस तरीके से वर्णन है, तो फिर वो आपका कई अंक वाली नाटक कहला जाते हैं बच्चों। लेकिन एकांकी काव्य की रचना यदि आप जैसे राजा जी के बारे में लिख रहे हो, किसी पात्र को यानी प्रमुख पात्र बना करके उसके जीवन के बारे में फटाफट आप रचना कर दिए, तो एकांकी कहलाता है। एक छोटा सा सार मतलब संक्षिप्त संवाद होता है, लेकिन नाटक में व्यापकता पाई जाती है। अब नाटक में व्यापकता है मतलब, जैसे मान लीजिए आपने एक पात्र में राजा बना दिया, राजा का मंत्री भी होगा, राजा की लड़की भी होगा, राजा का दामाद भी है, लड़की होगी, है ना, दामाद भी, पुत्र भी, है ना, ऐसे बहू भी, तो सारी चीज़ें नहीं, पात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एकांकी में बच्चों पात्रों की संख्या लिमिट रखेंगे, क्योंकि ये जो है एक ही अंक पर आधारित है, केवल एक विशेष घटना पर आधारित रहता है, ठीक है। तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है बच्चों। नाटक में संवाद व्यापकता है, व्यापकता है, जब पात्रों की संख्या अधिक है तो लोग व्यापक रूप से, है ना, संवाद तो करेंगे, लेकिन एकांकी में संक्षिप्त संवाद है, छोटा रूप है, इसलिए संक्षिप्त संवाद है। नाटक का आकार बड़ा, एकांकी का आकार छोटा है, कितना सिंपल है। और एक एग्जाम्पल तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है बच्चों, पृथ्वीराज की आंख डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी है। तो एक एक अंतर आप लोग इसे एग्जाम्पल से भी लिख सकते हो। बाकी तीन अंतर यार यूं आसानी से कोई भी बच्चा तैयार कर सकता है, है ही कितना यार। नाटक अनेक अंक वाली रंगमंची विधा, जबकि एकांकी एक अंक वाली विधा है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है, तो एकांकी में पात्रों की संख्या कम है। नाटक में संवाद की व्यापकता है, एकांकी में संक्षिप्त संवाद है, सिंपल। नाटक का आकार बड़ा, एकांकी का आकार छोटा है। ओके बच्चों, तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो, तो मैं बना दूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।